हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आज के वीडियो में हैं। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लाया जाता जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। तो दोस्तों, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। एंड फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। मैंने थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ाया हुआ है एंड एमसीक्यू क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज मैंने हल कराया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस कराया हुआ है। 79 वीडियोज का बीपीएससी TIE 2 में, वो सभी वीडियोज आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और बीपीएससी क्या ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए 2024 के प्रैक्टिस सेट में 63वां वीडियो है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि चमगादड़ के आकार की मानव शरीर में कौन सी अस्थि होती है। तो दोस्तों, चमगादड़ के आकार की जो अस्थि होती है वो होती है स्फेनॉइड। ठीक है, स्फेनॉइड ये हमारे क्रेनियल बोन होती है खोपड़ी की। जैसे कि हमारी खोपड़ी क्रेनियल में 8 बोन होती है, जिसमें से होता है फ्रंटल 1, पेराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1, स्फेनॉइड 1, इथेमॉइड 1। ये 8 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें जो स्फेनॉइड होती है एक चमगादड़ के आकार की होती है, एक क्रेनियल के फोर्स का भाग का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है। एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कई वीडियोज में, बताइए कौन सा भाग दान दिया जाता है। तो कॉर्निया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, कान के मध्य में कौन सा तरल पदार्थ होता है जो हमारा संतुलन बनाए रखता है। तो आप सबको पता है दोस्तों, कान के दो कार्य होते हैं, एक सुनना और एक संतुलन बनाना। संतुलन बनाने के लिए कार्य कौन करता है, कार्य के जो मध्य में पाया जाता है एंडोलिम्फ फ्लूइड यानी एंडोलिम्फ नाम का द्रव पाया जाता है जो बॉडी के संतुलन बनाने में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टिलेजियस ज्वाइंट किस प्रकार के जोड़ को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ज्वाइंट वाला, मैंने डेली बेसिस पे मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए होंगे। दोस्तों, कार्टिलेजियस ज्वाइंट किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है। तो ये सोचिए कि जो जॉइंट होता है तीन प्रकार का होता है, अचल, अर्धचल और चल संधि। अचल संधि होता है उसको फिक्स जॉइंट, फाइबर्स जॉइंट, साइनोथ्रोसिस जॉइंट एंड इमोबल जॉइंट कहा जाता है। जो अर्धचल संधि होता है उसको सीटली मूवेबल जॉइंट, कॉर्टिलेजियस जॉइंट, एम्फियार्थ्रोसिस जॉइंट आदि नामों से जाना जाता है। एंड जो आपका चल संधि होता है उसको फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट एंड डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट बोला जाता है। यहाँ पे कार्टिलेजियस ज्वाइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे अर्धचल संधि यानी कि सिटली मूवेबल ज्वाइंट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, केंद्रक का आविष्कार किसने किया। न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो कोशिका के कार्यों को नियंत्रण करती है, तो केंद्र का आविष्कार जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। और कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है, बीच वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों, बीच वॉलीबॉल की एक टीम में 2 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र खिलाड़ी जिसे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, उसके विकास में, उसके वर्धन में उसको दिया जाता है। तो ये तो दोस्तों सबसे पहले दिया गया नादिया कोमानसी को, और भारत में सबसे पहले इंदिरा गांधी को दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक जो 3 शहरों में आयोजित हुआ था। तो दोस्तों, 1920 एंटवर्प ओलंपिक जो है, एंटवर्प जो बेल्जियम में हुआ था, ये 3 शहरों में आयोजित हुआ था। कौन कौन, एंटवर्प, ऑस्टेंड, एम्स्टर्डम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
योग के राष्ट्रीय संस्थान का क्या नाम है, वो किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन आ भी सकता है। तो भारत में योग के राष्ट्रीय संस्थान का नाम है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्लेटो जो है आदर्शवाद आइडियोलॉजी के जनक हैं, जॉन डेवी प्रयोगवाद यानी एक्सपेरिमेंटेज में के जनक हैं, यहाँ पे प्रकृतिवाद के जनक हैं रूसो। नेक्स्ट है दोस्तों, इक्वेस्ट्रेन नामक खेल किससे संबंधित है। तो इक्वेस्ट्रेन नामक खेल जो है वह हॉर्स से संबंधित है, घोड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार फुटबॉल खेल में पहले का नाम है उसी प्रकार बास्केटबॉल में किसका नाम है। तो फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पहले हैं, उसी प्रकार बास्केटबॉल में नाम लिया जाता है माइकल जॉर्डन का। ठीक है, माइकल जेफ्री जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार टेनिस में विंबलडन है उसी प्रकार बैडमिंटन में क्या है। दोस्तों उसी प्रकार बैडमिंटन में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसी प्रकार महिलाओं के लिए क्या है। तो दोस्तों महिलाओं के लिए कौन सा हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार केरला के लिए वॉलीबॉल है उसी प्रकार पश्चिम बंगाल के लिए क्या है। तो केरला में वॉलीबॉल ज़्यादा खेलते हैं, तो पश्चिम बंगाल में क्या ज़्यादा खेलते हैं दोस्तों, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार टेबल टेनिस को पिंग पोंग कहा जाता था पहले उसी प्रकार बैडमिंटन को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों बैडमिंटन को कहा जाता था बैटल डोर। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से सूक्ष्म बुद्धि लगाइएगा अपना। 1948 लंदन में हुआ था इंग्लैंड में, 2012 भी लंदन इंग्लैंड में, 2008 भी लंदन इंग्लैंड में, यानी तीनों सिमिलर है। 1948, 2012, 1908 तीनों लंदन इंग्लैंड में हुआ था ओलंपिक। बट आपका 2016 ओलंपिक जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सम्पन्न हुआ था, इसलिए यह अलग है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि विषम क्या है। यहाँ पे इन्वर्टेज, लैक्टोज, एमाइलेज, ये तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, बट आपका जो इरेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, ये एंजाइम्स हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है। तो यहाँ पे आपको देखना है विषम क्या है। गोसीमा जो है टेबल टेनिस खेल से संबंधित शब्द है, सीव जो है खो खो से रिलेटेड है, चौरंग जो है चेस को बोला जाता है, शतरंज को। एंड यहाँ पे आपका आसन नंबर घ जो है विषम है। क्यों विषम है, क्योंकि जो और सब सही है। ठीक है, शब्दावलियाँ, बट ब्रिज हॉर्स रेसिंग राइडिंग संबंधित नहीं है। ब्रिज जो है ताश के पत्तों से संबंधित खेल है, बाकी सभी का मेल सही है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से क्या विषम है। तो यहाँ पे दांतों के प्रकारों को उनके संख्या को बताया गया है। तो दांत जो है चार प्रकार के होते हैं, इनसीजर, केनाइन, प्रीमोरल, मोरल। ठीक है, तो दोस्तों चार प्रकार के कैसे होते हैं, इनसीजर, केनाइन, प्रीमोरल, मोरल। तो इंसीजर ऊपर 16 दांत होते हैं, नीचे 32 होते हैं। तो इंसीजर 4, केनाइन ऊपर 2 और प्रीमोरल 4 और मोरल 6। ठीक है, तो इन सभी में 2 का गुणा कर दीजिए। तो इंसीजर ऊपर 4 है तो नीचे 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इंसीजर गलत हो जा रहा है। ठीक है, इंसीजर यहाँ पे
8 होना चाहिए तो यहाँ 6 है, गलती हो जाएगा। और केराइन जो है ऊपर 2 नीचे 2, यानी कुल कितना हो गया 4, ये सही है। प्रीमोल जो है ऊपर 4 नीचे 4, कितना हो गया 8। मोरल जो है ऊपर 6 नीचे 6, हो गया कुल 12। ठीक है, यहाँ पे आपका विषम कौन है, इंसीजर। ठीक है, यहाँ पे 8 होना चाहिए था, 6 है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है, तो क्या विषम है दोस्तों, यहाँ पे ओलेक क्रेनोन, मेटाकार्पल्स, एपिकोंडाइल, जो हमारे एल्बो की हड्डी को कहते हैं, तो यहाँ पे सभी के सभी आपके हाथ की हड्डी के भाग हैं, बट टार्सल जो है वह पैर के टखने की हड्डी है, जिसमें 7 बोन होते हैं, इसलिए विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे जो ओलंपिक झंडे पर 5 छल्ले प्रतीक चिन्ह के रूप में लगे होते हैं, 5 महाद्वीपों के प्रतीक, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, तो उसमें नीला जो है यूरोप महाद्वीप का प्रतीक होता है, तो ब्लू यहाँ पे कहाँ दिया है, ओशनिया, तो ब्लू यूरोप महाद्वीप का प्रतीक है, तो ये आपका ऐसे ही गलत हो गया। नीला जो है यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, ठीक है, तो यहाँ पे पीला एशिया, येलो एशिया सही दिया है। काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, ये भी सही है। हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, ये नहीं दिया है। और लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक, रेड अमेरिका, यहाँ पे सब सही है, तो यहाँ पे ऑड क्या है, ब्लू जो है नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक है, जबकि यहाँ पे ओशनिया दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है, दोस्तों यहाँ पे यहाँ नेफ्रोलॉजी जो है किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो आपको पता है कि नेफ्रोलॉजी किडनी के अध्ययन को कहा जाता है, तो यहाँ पे ये सीधे सीधे गलत हो जाता है, ठीक। एंड आर्थोलॉजी ज्वाइंट के अध्ययन को कहा जाता है, ये राइट है, ठीक है। एंड आपका ऑस्टियोलॉजी बोन के हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है, ये भी राइट है। एंड कार्डियोलॉजी हार्ट यानी हृदय के अध्ययन को कहा जाता है, ये भी राइट है। इसका मतलब इसमें ऑड क्या है, ऑप्शन नंबर क, नेफ्रोलॉजी लीवर, क्योंकि नेफ्रोलॉजी किडनी के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या विषम है, तो यहाँ पे टिबियल्स एंटीरियर लेग पेन, जो टिबिया हड्डी के पास टिबियोलिस में दर्द होता है, या एंटीरियर या पोस्टेरियर टिबिया पेशी में सूजन होता है, उसे लेग पेन, एंटीरियर लेग पेन बोला जाता है। और एंटीरियर लेग पेन को सीन पेन, सीन स्प्लिंट आदि नामों से जाना जाता है। जो एंटीरियर लेग पेन होता है, खिलाड़ी के अनुकूलन में न रहने के कारण, नए खेल खेलने के कारण, नए जूते पहनने के कारण, मैदान की सतह कठोर होने के कारण, यानी प्रशिक्षण की तीव्रता इंटेंसिटी अधिक होने के कारण होता है, तो ये आपका क राइट है। एंड ख है कि क्वाड्रिसेप्स चार्ली हॉर्स, दोस्तों क्वाड्रिसेप्स मसल जो जांघ के सामने वाली मसल्स होती हैं, अगर उसमें कांड योजन हो जाए तो उसे चार्ली हॉर्स कहते हैं, और इसमें व्यक्ति को पैदल चलने में भी अधिक दर्द का आभास होता है, तो यहाँ पे ख ऑप्शन भी राइट है। ग है एपिकोंडाइल टेनिस एल्बो, जो हमें एल्बो के पास होता है एपिकोंडाइल टेंडन, वहाँ पे जब चोट आती है तो टेनिस एल्बो बोला जाता है, तो ये भी आपका ग ऑप्शन भी राइट है। ऑप्शन नंबर घ जो है फ्लेंजियस, वहाँ पे बर्साइट हील चोट नहीं लगता, क्योंकि वर्साइटिस जो होता है हील वो एड़ी पे होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एड़ी की अस्थि का चोट है, इसलिए फ्लेंजियस की नहीं है, इसलिए यहाँ पे विषम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया है थॉर्नडाइक ने, जबकि यहाँ पे पावलोव दिया है, तो यही आपका विषम है और सब सम है। यहाँ पे कंडीशनिंग वेस्टर्न ने दिया है, इनसाइड थ्योरी यानी कि अंतर्दृष्टि के सिद्धांत दिया है
सिद्धांत सबसे पहले कोहलर ने दिया था, इसमें कोहलर, कोक्का, वर्धीमान सभी शामिल थे, तो यहाँ पे राइट होगा। एंड प्लेज लाइफ थ्योरी दिया है जॉन डीवी ने, ये भी आप सबको पता है, ये भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है? यहाँ पे 1961 अर्जुन अवार्ड, आप सबको पता है 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी, राइट है, ठीक है। एंड 1961 NSNIS, तो जो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की स्थापना 7 मई 1961 को हुआ था, तो ख ऑप्शन भी राइट है। ग है 1984 साई, यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुआ था, तो ग भी राइट है। यहाँ पे LNCPE यानी लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1957 में हुआ था, जबकि यहाँ पे 1958 दिया है, ये इसलिए ये विषम है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? टिबिया, पैर के हड्डियों को दिया हुआ है, हड्डियों को उसकी संख्या को दिया गया, टिबिया हड्डी जो है दोनों पैरों में एक एक दो होती हैं, राइट है। एंड टॉर्सल्स जो होते हैं हमारे टखने की हड्डियाँ, 7-7 होती हैं, 7-7-14, ये भी राइट है। रिप्स जो होती हैं, बीच में स्टर्नम मोटी हड्डी होती है, दोनों तरफ 12-12 रिप्स यानी पसलियाँ जुड़ी होती हैं, तो जुड़ों में पूछेगा तो 12 जुड़ी, ऐसे पूछेगा तो 24, ये भी राइट है। यहाँ पे फ्लैंजियस यानी उंगलियाँ जो है एक हाथ या एक पैर में 14 होती हैं, दोनों को मिलाएंगे तो 28 होगा, इसलिए यहाँ पे ये गलत है, इसलिए आपके विषम है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? यहाँ पे आपको फिर से देखना है कि रिसाइडिंग जो है वो रिसाइडिंग हो गया, एंड सेंटर लेन कट एंड अर्ली गेटअप, तीनों जो है खोखो के फाउल से संबंधित हैं, जबकि हेड डायरेक्शन नहीं है। हेड डायरेक्शन खोखो में नहीं होता, शोल्डर डायरेक्शन होता है, जब आप उठ के दौड़ाएंगे तो जिस शोल्डर जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में आपको जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है? तो यहाँ पे खेल एवं उनके जो खिलाड़ियों के उपनाम है, खिलाड़ियों को उस नाम से जाना जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि टेबल टेनिस खेल के खिलाड़ी को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बास्केटबॉल खिलाड़ी को केजर्स बोला जाता है, राइट है, ठीक है। एंड बॉक्सिंग खिलाड़ी को पुगलिस्ट बोला जाता है, भी राइट है। इक्वेस्ट्रियन खिलाड़ी को जॉकी बोला जाता है, भी राइट है। जबकि टेबल टेनिस के खिलाड़ी को क्या बोला जाता है, पैडलर्स बोला जाता है, इसलिए को आपका ऑप्शन राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में है, राइट है, ठीक है। एंड LNCPE ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, राइट है। NIS पटियाला 1961 में पटियाला में हुआ, ये भी राइट है। बट NIN यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये हैदराबाद में है, बंगलोर में नहीं है, इसलिए यह क्या है, विषम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से विषम क्या है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या विषम है। तो यहाँ पे सेंटर पॉज से हॉकी खेल शुरू होता है, किक ऑफ से फुटबॉल, सर्विस से वॉलीबॉल, बट बक अटैक से खो खो खेल शुरू नहीं होता है, ठीक है, इसलिए सब समान है और ये विषम है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो 800 मीटर दौड़ है यह विषम है, क्योंकि 800 मीटर दौड़ की जो 800 मीटर जो दौड़ होता है वो उसका दौड़ जो है स्ट्रगल स्टार्ट होता है, जबकि बाकी का 800 मीटर से ज्यादा का कर्व स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? सीजर्स यहाँ पे भी विषम है दोस्तों, क्योंकि हिचकिक सेल हैंग लटकना जो पद्धति है ये लॉन्ग जंप की है, ठीक है। लॉन्ग जंप की कौन कौन पद्धति है, हैंग यानी लटकना तकनीकी,
हिचकिक ट्रेनिंग टेक्निक जिसे साइकिलिंग विधि भी कहते हैं एंड सेल टेक्निक, ये लॉन्ग जंप की टेक्निक है, जबकि सीजर्स, वेस्टर्न रूल, स्टेडल रूल एंड फॉसबरी फ्लॉप ये सभी हाई जंप की टेक्निक है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? तो यहाँ पे पुश पास, थ्रोइंग एंड गोल किक ये सभी जो है फुटबॉल से संबंधित है, बट डायरेक्ट हिट जो है वह क्रिकेट के आउट होने के नियम से संबंधित है, इसलिए यह विषम है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलिस्टिक पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच, स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, ये सभी के सभी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने की विधि है, जबकि फोर्टलेग ट्रेनिंग मेथड जो है वो एंड्योरेंस यानी कि सहनशीलता को डेवलप करने की विधि है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है अंडर वाटर ट्रेनिंग, हाइपोक्सिक ट्रेनिंग, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, ये सभी के सभी आपको हाइपोक्सिक ट्रेनिंग से संबंधित हैं, जबकि स्टेयर रनिंग ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए घो ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों फाइबर्स ज्वाइंट, फिक्स ज्वाइंट, साइनस थ्रोसिस ज्वाइंट, तीनों के तीनों को अचल संधि को कहा जाता है, जबकि साइनोवियल ज्वाइंट जो है चल संधि को बोला जाता है, इसलिए यह विषम है, ऑप्शन नंबर खो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है? तो यहाँ पे एवरेज ऑफ स्कोर जो आता है उसको मीन कहा जाता है, ठीक है, ए आपका तो राइट है क, एंड मिडिल स्कोर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिडिल स्कोर ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर नहीं होता, वो मीडियन होता है, इसलिए यह क्या है, गलत है। मोर फ्रीक्वेंसी स्कोर को मोर कहा जाता है, ए राइट है, एंड हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर रेंज ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो ये भी राइट है, ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे आपका गलत होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों रॉक, रुक, नाइट, बिशप, ये सभी के सभी जो है चेस यानी शतरंज से संबंधित हैं, जबकि ए सी ई जो है ए शतरंज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ईवर ऑनवर्ड एशियाई खेल का मोटो है, याद रखिएगा हमेशा आगे की ओर बढ़ना, यानी ईवर ऑनवर्ड एशियाई खेल का मोटो है, यहाँ पे ये राइट है, और पेस प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, यह सैग यानी कि साउथ एशियन गेम का मोटो है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्रेस पेस प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस साउथ एशियन गेम का मोटो है, एंड सीटीएस आरटीएस फोर्टीएस आईओसी यानी ओलंपिक का मोटो है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ग राइट नहीं होगा, ऑलवेज फॉरवर्ड जो है वो एशियाड का मोटो नहीं है, ईवर ऑनवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका विषम हो जाएगा एशियाड, ओलंपिक, शायद, ये सब की सब एक क्या है, मल्टी स्पोर्ट्स संगठन है, जबकि फीफा जो है केवल फुटबॉल के लिए एक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीआर का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों सीपीआर का पूरा नाम है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, रिससी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन जो है दोस्तों, ये जब कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है या एकाएक सांस रुकने वाला होता है, उस कंडीशन में डॉक्टर से जाने से पहले उसको हृदय गति और श्वसन के लिए थपथपाया जाता है छाती पे, 100 से ज़्यादा
प्रति मिनट की गति से थपथपाया जाता है, जिससे उसको राहत मिले डॉक्टर के जाने से पहले तक, तो इसको CPR बोला जाता है। नेक्स्ट है, गति यानी स्पीड का लीवर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, प्रथम प्रकार के लीवर जिसमें एक्सिस बीच में होता है रेसिस्टेंस और फोर्स के, उसे संतुलन का लीवर कहा जाता है। द्वितीय प्रकार के लीवर में जो रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है, उसे बल का लीवर कहा जाता है। और तृतीय प्रकार का लीवर जिसमें फोर्स यानी बल बीच में होता है, उसे गति का लीवर कहा जाता है। तो यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हृदय में सेमीलुनर वाल्व कितने होते हैं? तो दोस्तों, हृदय में 2 सेमीलुनर वाल्व होते हैं, पल्मोनरी एंड एरोटिक वाल्व। जैसे कि आपको पता है कि हृदय में 4 वाल्व होते हैं, दरवाजे होते हैं, ट्राइकैस्पिड, बाइकैस्पिड, पल्मोनरी एंड एरोटिक वाल्व। ट्राइकैस्पिड वाल्व दाएं और दाएं निलय के बीच होता है, और बाइकैस्पिड वाल्व जिसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, वो बाएं और बाएं निलय के बीच होता है। जो पल्मोनरी वाल्व होता है, वो दाएं निलय और पल्मोनरी धमनी के बीच होता है। जहाँ से दाएं निलय कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो पल्मोनरी वाल्व के रास्ते पल्मोनरी धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक शुद्ध होने के लिए ले जाती है। और जो एरोटिक वाल्व होती है, वह महाधमनी एरोटा एंड बाया निलय के बीच होता है। जब बाया निलय कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो शुद्ध रक्त एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है, और वहीं से समस्त शरीर को सभी शाखाओं के द्वारा भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडूकासन किस रोग के लिए लाभकारी होता है? तो दोस्तों, मंडूकासन जो है वो डायबिटीज यानी मधुमेह रोग के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोड्रोम किस खेल के मैदान को कहते हैं? तो दोस्तों, वेलोड्रोम जो है वो साइकिलिंग के मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट है, फीडे किस खेल की फेडरेशन है? तो दोस्तों, फेडरेशन जो फीडे है, वह चेस यानी कि शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट है, स्ट्रॉबेरी किसका उपनाम है? तो दोस्तों, स्ट्रॉबेरी जो है वह एवरेजन यानी कि जिसमें रगड़ लग जाता है, उसका उपनाम है। ठीक है, एवरेजन का मुख्य नाम है स्ट्रॉबेरी। एवरेजन में क्या होता है, लाल पड़ जाता है मैदान पे गिर जाने या रगड़ लग जाने पे होता है। इसको ट्रफ बर्न, गेट बर्न, फ्लोर या सिंडर बर्न या स्ट्रॉबेरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगर 5 टीम हैं तो लीग में कितने मैच खेले जाएंगे? दोस्तों, लीग एंड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ठीक है, लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट जो होता है, जैसे टूर्नामेंट 4 प्रकार का होता है, सिंगल लीग, डबल लीग, सॉरी दोस्तों, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड चैलेंज टूर्नामेंट। तो यहाँ पे अगर 5 टीम है तो लीग मैच में कितने मैच खेले जाएंगे? तो लीग जो है सिंगल लीग, डबल लीग 2 प्रकार का होता है। तो इसमें सिंगल लीग में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है, सिंगल लीग में होता है आपका यन माइनस 1/2। सिंगल लीग में क्या होता है, यन माइनस 1/2, और डबल लीग में होता है यन माइनस वन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यन क्या हो जाएगा, ठीक है, यन माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पे n माइनस 1/2, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक, n माइनस 1/2, यानी कि क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, 5 माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 × 5 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4, तो 5 चौका
20, ठीक, 20 हो जाएगा 20/2, ठीक। तो 20/2 हो गया तो क्या हो जाएगा, 10 × 20, यानी 10 राइट आंसर होगा, ठीक है। कितने मैच खेले जाएंगे, 10 मैच खेले जाएंगे, ठीक है। कितने मैच खेले जाएंगे यहाँ पे, अगर 5 टीमें हैं तो लीग टूर्नामेंट में 10 मैच खेले जाएंगे, सिंगल लीग होगा तो, और डबल लीग होगा तो 20 मैच खेले जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट जो होता है वो दो प्रकार के होता है, सिंगल लीग और डबल लीग। और इसमें फिक्सर डालने की 3 विधियां होती हैं, साइकिल, टेबुलर एंड स्टेयर केस मेथड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कोर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कोर जो है ऑब्जेक्टिविटी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ऑब्जेक्टिविटी को, जिसे वस्तुनिष्ठता बोला जाता है। एंड जैसे कि किसी ही परीक्षण के लिए वैज्ञानिक ऑथेंटिसिटी ज्ञात करने के लिए रिलेबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। इसमें से जो आपका ऑब्जेक्टिविटी होता है उसमें क्या होता है कि एक परीक्षण को किसी एक समूह पर प्रयोग किया जाता है और उसके लिए एक से अधिक एक्सपर्ट यानी विद्वानों को बुलाया जाता है उसके ऑब्जर्वेशन के लिए, और वह परिणाम एक जैसा सभी लोग बताए तो वो कहा जाता है कि यह परीक्षण जो है वस्तुनिष्ठ है, ठीक है। एंड दोस्तों जो रिलेबिलिटी होता है उसको भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे रिलेबिलिटी जो विश्वसनीयता होता है कि बार बार परीक्षण करने पर एक जैसा स्कोर आए तो कहा जाता है कि वह विश्वसनीय है यानी रिलेबल है, और विश्वसनीयता यानी कि रिलेबिलिटी को कॉन्सिस्टेंसी, डिपेंडेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, रिपेटेबिलिटी आदि नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में 50 MCQ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए।